भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये तरीके आपके रोगों की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये आपके लिए कोविड 19 का इलाज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए कोविड 19 का इलाज नहीं है, ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है आयुर्वेद का, ये बताया गया है दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या मतलब आपकी दैनिक जीवन शैली किस तरह की है, और ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है और आप उसे कैसे रिएक्ट करवाते हैं। कुल मिलाकर दोनों बातों को जोड़ा जाए तो दिनचर्या और ऋतुचर्या मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से तरीके बताए गए हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा। पहले चरण में इन्होंने बताया है कि आपको रोज गुनगुना पानी, गर्म किया हुआ पानी उबाला हुआ, उसके बाद गुनगुना करके पीना है। रेगुलर दिन भर आप गुनगुना पानी पीते रहें। दूसरी बात इन्होंने कही है कि आप रोज योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि आप कुछ मसाले अपने खाने में रेगुलर यूज करेंगे, जिसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, ये आपको अपने खाने में डालना है। तरीके कौन से उपयोग करने हैं जिससे घर में ही आप इम्यूनिटी बढ़ा सकें, तो पहली चीज है आपको च्यवनप्राश लेना है कम से कम एक चम्मच यानी कि 10 ग्राम, और यदि आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश लेंगे। दूसरी बात, आपको रोज एक तरह का काढ़ा या इसे ग्रीन टी कहा जाए वो बनाना है। उसके लिए जो तरीके बताए गए हैं वो बताए गए हैं तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ड्राई अदरक और मुनक्का, ये इन चीजों को आपको उपयोग करना है और इन्हें एक से दो बार रोज पीना है। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि आपको दूध में हल्दी डाल के पीना है, जिसे इन्होंने कहा है ये गोल्डन मिल्क है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लीजिए। एक तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग में बताया गया है आयुर्वेद के कुछ बेसिक प्रोसीजर्स। पहला प्रोसीजर है नस्य एप्लीकेशन, नस्य में नेजल एप्लीकेशन, नस्य जिसे कहा जाता है। तो नेजल एप्लीकेशन में या तो आप सीसम का ऑयल यूज कर सकते हैं, सीसम ऑयल, या कोकोनट ऑयल लेकर नाक में लगा सकते हैं, आप चाहें तो सरसों का तेल भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो बताई गई है वो है ऑयल पुलिंग थेरेपी। ऑयल पुलिंग थेरेपी में या तो आप सिसामम ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट का ऑयल लेकर मुंह में थोड़ी देर रख के घुमा लीजिए, 2 से 3 मिनट आप इसे मुंह में रखिए और उसके बाद इसे मुंह से आउट कर दीजिए और गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए। ये आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स उन्होंने बताया। चौथे भाग में आता है यदि आपको ड्राई कफ है या सोर थ्रोट है। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी है, और सोर थ्रोट मतलब आपके गले में सरसराहट सी महसूस होती है, गले में रफनेस है, गले में हल्का दर्द होता है। तो क्या करें, वो प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, इस प्रोसीजर को ध्यान से समझें। पहली बात, आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। इसमें दो प्रकार की चीजें उपयोग कर सकते हैं। पहला, आप पुदीना यूज कर सकते हैं यानी कि मिंट की लीव्स या मिंट, और दूसरा आप अजवाइन यूज कर सकते हैं जिसमें जो आप गर्म पानी में डाल के उसकी भाप ले सकते हैं, या आप अजवाइन के धुएं को भी स्मेल कर सकते हैं। धुआं बेटर नहीं है, स्टीम इज बेटर। दूसरा ऑप्शन इन्होंने बताया है कि यदि आपको ड्राई कफ है तो आप लौंग का पाउडर लेके, लौंग को भूंज लें, उसका पाउडर बनाने और उसे शक्कर के साथ ले सकते हैं या फिर शहद के साथ ले सकते हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो शहद और शक्कर का उपयोग ना करें, आप नॉर्मली भी हल्के थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके भी इसे चाट सकते हैं। और इसी में इन्हीं बातों के साथ एक तीसरी बात बोली गई है कि यदि आपको ड्राई कफ के साथ में कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं और प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट खुद से सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करने। इस एडवाइजरी के चारों भागों में सबसे महत्वपूर्ण बात पांचवें भाग में लिखी हुई है। पांचवा भाग मतलब लास्ट में दो लाइनें लिखी हुई है उस पेपर में जिसमें ये एडवाइजरी दी गई है, और कहा गया है कि द अबो मेजर्स कैन बी फॉलोड टू द एक्सटेंट पॉसिबल एज पर एन इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस। जो मेजर्स आपको बताए गए हैं वो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितने आपको उपलब्ध हैं उतने कीजिए, जरूरी नहीं है आपको सभी करना है। तो जितने उपलब्ध हैं आप उतने कीजिए, उतने में आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके सारे सिस्टम
दुरुस्त हो जाएंगे। इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि आप पूरे तरीके फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पूरे तरीके फॉलो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो सकता तो जितना पॉसिबल है आप उतना कीजिए। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि देश के 16 बहुत प्रसिद्ध वैद्य और बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज ने इस बारे में बताया हुआ है। तो ये एक ऐसी एडवाइजरी जारी करी गई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एक डिस्क्लेमर दिया गया है। डिस्क्लेमर ये कहा गया है कि द अबोव एडवाइजरी डज नॉट क्लेम टू बी ट्रीटमेंट फॉर COVID-19। ऊपर की जितनी भी एडवाइजरी दी गई है वो COVID-19 का ट्रीटमेंट नहीं है। इसे ट्रीटमेंट ना माने, ये इलाज नहीं है, ये रोगों से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का तरीका है। तो आशा है आपको बातें समझ में आई होगी और आप इसे अपने घर में उपयोग कर रहे हैं और करने वाले हैं या कर रहे होंगे या करेंगे। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और वो चार बातें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एडवाइजरी जारी की गई है, उन एडवाइजरीज के हर पार्ट को अलग अलग से देखिएगा, वीडियो के उन पॉइंट्स को समझिएगा और फिर उपयोग कीजिएगा, और आप अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाएंगे टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सभी परिचितों तक भेजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल जानकारी है और इसे मैंने यहां केवल पढ़कर बताया, इसका एक भी शब्द मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। जो उन्होंने एडवाइजरी जारी किए सेम पूरा का पूरा मैंने आपको यहां पर बताया। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।